हाई गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज है संडे और ये मेरी बन रही है संडे मॉर्निंग कॉफ़ी। और मीरा भी उठ चुकी है, इट इज़ हर ब्रशी टाइम। बी एट डे और बी एट नाइट, इसको ब्रश करने में बहुत ही मज़ा आता है। आई थिंक सभी बच्चों को बहुत ही कुछ एक्साइटमेंट रहती है ब्रश करने की। अभी ये खुद से कर रही है, बट थोड़ी देर बाद वेन शी विल बी डन आई विल हेल्प हर आउट। और आज ये सोच रही है कि कैमरा में हो क्या रहा है, तो शी इज़ इन्जॉइंग कैमरा में देख के ब्रश करना। आज मौसम बहुत अच्छा होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी 16 degrees। तो हमने सोचा कि मीरा को लेके बाहर वॉक पे जाते हैं। इट वॉज़ सो नाइस आउट देयर, सारी स्नो मेल्ट हो चुकी थी, हवा थोड़ी सी ठंडी थी, बट विद अ जैकेट ऑन इट वॉज़ स्टिल वेरी नाइस। मीरा ने बहुत इन्जॉय किया इधर से उधर भाग के, एंड शी वॉज रियली वेरी एक्साइटेड पानी में डांस करना। एंड लुक एट हर, शी इज़ जस्ट रनिंग अराउंड हेयर एंड देयर। और हमने भी काफ़ी इन्जॉय किया, बिकॉज पूरे टाइम विंटर में हम अगर वॉक के लिए जाते भी है तो आई टेक हर आउट इन अ स्ट्रोलर, बट खुद से वॉक करने में एंड इधर उधर रन करने में तो मज़ा अलग ही होता है। सो इन ओवरऑल इसने बहुत मज़ा किया आज। एंड इट्स द नेक्स्ट डे नाउ। कल मैंने जितनी वेदर की तारीफ करी, आज उतना ही शिटी वेदर था। इट वॉज स्नोइंग, इट वॉज रेनिंग एंड वॉट नॉट, बट थैंकफुली स्टिल इतना ठंडा नहीं था जितना जनरली हो जाता है। तो आज मैं आपको लेकर चलती हूँ कैनेडा की सब्ज़ी मंडी में। ये हमारे घर से सिर्फ 5 मिनट दूर है और रिसेंटली हमने यहाँ आना शुरू किया है। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि सारी वेजीज बहुत ही फ्रेश होती है, एंड एवरीथिंग इज़ सो नाइसली केप्ट, सो फ्रेश एंड सो क्लीन। आपको कुछ भी इंडियन फूड रिलेटेड चाहिए, यू जस्ट नेम इट एंड यू विल गेट इट हेयर। हमें यहाँ पर अमरूद भी मिले, जो कि बाकी स्टोर्स पे भी मिलते हैं, बट इतने फ्रेश अमरूद कहीं नहीं मिले मुझे आज तक। और अमरूद मेरे और सिद्धांत के दोनों के बहुत फेवरेट है, तो हम तो बहुत खुश थे अमरूद लेकर। वैसे तो ब्रैम्पटन में बहुत सारे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं, बट ये स्टोर मुझे ज़्यादा पसंद इसलिए है क्योंकि यहाँ एवरीथिंग इज़ सो वेल ऑर्गेनाइज्ड और सो नाइसली केप्ट। एज आई टोल्ड यू, बहुत ही फ्रेश एंड बहुत ही क्लीन होता है। आप भी देख सकते हो, सब इतनी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। वट एवर यू वॉन्ट यू जस्ट कैन गेट इट एंड इट्स जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर आइज। जो लेना है सामने से लेके सीधा डालो एंड आप देख सकते हो आपको क्या लेना। यू जस्ट आर नॉट वेरी कन्फ्यूज रोमिंग अराउंड द स्टोर। आज मैंने यहाँ से फ्रोज़न अरवी भी ली है, जो कि मैं पहली बार ट्राई करूँगी, मैंने आज तक नहीं ली, बट लेट्स सी, अगर अच्छी बनी तो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब हम आ चुके हैं घर वापस, एंड दिस इज़ व्हाट वी गॉट। दिस इज़ गोइंग टू लास्ट अस फॉर अ वीक। और मुझे रेड गाजर भी मिल गई जो मुझे चाहिए थी। ऑल्सो द चटोरा इन मी कुडंट रिजिस्ट, तो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ ट्राई करने के लिए वड़ा पाव और ये कुलचा, पता नहीं इसका क्या नाम था, बट हाँ कुलचा विद छोले। तो मैं आपको इन दोनों चीज़ों का रिव्यू भी दे देती हूँ। वड़ा पाव तो कुछ खास नहीं था, बट दिस कुलचा वॉज रियली गुड। कुलचा खा के मज़ा आ गया। तो इट इज़ नाउ डिनर टाइम और आज मैं डिनर में बना रही हूँ इंडियन स्टाइल नूडल्स। सिद्धांत को इंडियन स्टाइल नूडल्स खाने का आज बहुत मन था, वैसे तो मेरी भी फेवरेट है, और आज मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ ये इंडियन स्टाइल नूडल्स। थोड़ी सी नूडल्स मैंने बॉयल करके अलग से निकाल दी है, बिकॉज़ आई विल मेक सेपरेटली फॉर मीरा। मीरा के लिए भी सेम बनेगी, सारी वेजीज सेम होगी, बस कुछ सॉसेस और थोड़े स्पाइसेस कम होंगे, तो आई प्रेफर कि मैं उसके लिए अलग से भी बनाऊँ। अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मैं नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी मैं आपके लिए इसकी डिटेल रेसिपी शूट कर लूँगी व्लॉग में। नाउ आर नूडल्स आर फाइनली रेडी। ये है हमारी वाली नूडल्स, फुल ऑफ स्पाइसेस और बहुत ही अच्छा टेस्ट था। आई नो मैं अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ, बट टेस्ट सच में बहुत ही अच्छा था। इसमें मैंने जितनी सॉस डाली है और जितनी वेजीज डाली है उसके साथ, दिस वॉज एब्सोल्यूट यम। ये है मीरा वाली नूडल्स जिसमें बहुत कम स्पाइसेस है, बट दिस वॉज इक्वली गुड, बस स्पाइसेस इसमें थोड़े कम थे। And here is Meera enjoying her dinner. She is having noodles and some chole tossed in simple tomatoes, and that's it. That's her dinner. So after dinner, Meera chali gayi hai nahane. Siddhant will take care of her bath, and in the meanwhile, I am cleaning the kitchen and getting it ready for the next day. Loaded the dishwasher, but I'm still left with some dishes in the sink, and I'm gonna get it done.
And that's it. I hope you guys liked this video. If you did, please do not forget to subscribe, like, and share this video. Please do not forget to click on the bell icon so that you get notified whenever I upload any new video. I will see you guys tomorrow in my next video. Bye.